हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल। फ्रेंड्स, यह वीडियो लेक्चर सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को स्किप ना करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यह सीखेंगे आर्टिकल होता कहाँ है, हमें कहाँ कहाँ पर इसका यूज करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट्स में हम सारे रूल्स देखेंगे और पता करेंगे कि आर्टिकल कितने टाइप्स के होते हैं और हमें कहाँ कहाँ यूज करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। अंग्रेजी में ए एन और द को आर्टिकल कहती है। ये दो प्रकार के होते हैं फ्रेंड। जो ए एन और द रहते हैं उन्हें हम आर्टिकल कहते हैं और यह टू टाइप्स के होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। फ्रेंड, इनडेफिनिट आर्टिकल ए तथा एन के इनडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि वे अनिश्चित नाउन के पहले आते हैं, जैसे आई सो अ बॉय, ही सो एन आउल। तो फ्रेंड, ए और एन को हम इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। तो द डेफिनेट आर्टिकल क्योंकि वह पहले एक निश्चित नाउन के पहले प्रयोग होता है, जैसे आई वेंट टू मीट द टीचर। तो फ्रेंड, द को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं और ए और एन को हम इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। सिंटेक्स, द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ अ वर्ड इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटेक्स। फ्रेंड्स, हम देखते हैं ए और एन और द का यूज हम जब ही करते हैं जब हमारा कोई मीनिंगफुल सेंटेंस होता है और प्रॉपर उसका एक वर्ड होता है। तो जैसे एक प्रॉपर उस मीनिंग का पूरा सेंस निकलना चाहिए किसी भी कंप्लीट सेंटेंस का। तो जैसे करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ सिंटेक्स। जैसे राम इज गोइंग टू द मार्केट। तो फ्रेंड, यह ये कंप्लीट सेंटेंस है, जैसा कि आप देख रहे हैं राम इज गोइंग टू द मार्केट। तो राम कहाँ पर जा रहा है? मार्केट। तो यह ये कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस है, जैसा कि आपने सुना है राम इज गोइंग टू द मार्केट। इस तरीके से हम देखेंगे कहाँ कहाँ पर हमें ए एन और द का यूज करना है। नेक्स्ट, ए का प्रयोग। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड, हम यह सीखेंगे ए का प्रयोग हमें कहाँ कहाँ पर करना चाहिए। तो ए का प्रयोग उन नाउन को पूर्व जिनकी गिनती की जा सकती है और जिनका उच्चारण कॉन्सोनेंट की आवाज से होता है। फ्रेंड्स, जो काउंटेबल नाउन होते हैं जिन्हें हम गिन सकें, वहां पर हम ए का प्रयोग करते हैं। और ए का प्रयोग यूजली हम कॉन्सोनेंट्स के पहले स्टार्ट करते हैं। सारे वॉवल्स को छोड़कर, ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने भी रिमेनिंग अल्फाबेट रह जाते हैं वह सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो उनके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं, जैसे अ डॉग, अ वुमन, अ हॉर्स, अ बॉय, अ टेबल आदि। जैसे फ्रेंड आप देख रहे हैं ये सारे कॉन्सोनेंट हैं। डॉग डी से स्टार्ट हो रहा है, वुमन डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, हॉर्स बॉय। इस तरीके से आप देख सकते हैं जो मीन वर्ड किसी कॉन्सोनेंट से पहले स्टार्ट हो वहां पर हमें ए का प्रयोग करना है, और जो काउंटेबल नाउन होते हैं वहां पर भी हम ए का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, जब यू की आवाज हो, जैसे फ्रेंड, जैसे कोई वर्ड हमारा यू से स्टार्ट होता है बट उसका मतलब साउंड है जो वो वाई और यू जैसे निकलता है, यू, जैसे आ यूनिवर्सिटी। तो यह भले ही वॉवल्स है बट इसका जो साउंड है वो वाई और यू से निकल रहा है, जैसे यू वाई और यू। तो आप कह सकते हैं फ्रेंड कि यह तो वॉवल है बट यह कॉन्सोनेंट के साउंड से निकल रहा है। तो देख सकते हैं आप आ यूनिवर्सिटी, आ यूरोपियन, आ यूटेंसिल्स, आ यूनियन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो अगर वर्ड स्टार्टिंग में वॉवल से शुरू होते हैं बट उनका साउंड कॉन्सोनेंट्स से निकलता है तो हम वहां पर भी ये का यूज करते हैं। जब ओ की आवाज हो, जैसे अ वन आइड मैन। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ओ की आवाज आ रही है, अ वन आइड मैन, अ वन रूपी नोट। नेक्स्ट, एक वचन में जातिवाचक संज्ञा से पहले वन का भाव प्रकट करने के लिए ए का यूज होता है, जैसे ही हैज अ बुक इन हिज हैंड, मतलब उसके हाथ में एक किताब है। जहां पर हम किसी भी कॉमन नाउन या किसी भी सिमिलैरिटी शो करने के लिए वहां पर भी हम ए का यूज करते हैं, जैसे आपने एक देखा है ही हैज अ बुक इन हिज हैंड। नेक्स्ट, ए से सेम भाव भी प्रकट होता है, जैसे वर्ड ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। नेक्स्ट, ए का प्रयोग प्रति के रूप में भी किया जाता है, जैसे फ्रेंड्स हम कहते हैं प्रति दर,
उस तरीके से हम वहां पर भी ये का यूज करते हैं, जैसे ही अर्न रिस 3000 अ मंथ। तो देखा आपने, जहां पर हम प्रति या दर भी बोल सकते हैं हिंदी में, वहां पर भी हम ये का यूज करते हैं। नेक्स्ट, अनेक आइडियोमेटिक फ्रेसेस में ये का प्रयोग होता है, जैसे ऑल ऑफ अ सडन, ऑन अ लार्ज स्केल, टू बी इन अ हरी, टू बी इन अ रेंज। इस तरीके से फ्रेंड हम ये का यूज करते हैं, जैसा कि आपने देखा है। एन का प्रयोग, एन का प्रयोग उन शब्दों के पहले होता है जो किसी वॉवल्स से आरंभ हो, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। तो फ्रेंड हम देखेंगे एन का प्रयोग हमें कहाँ कहाँ करना चाहिए। तो जैसे कि वॉवल्स होते हैं ई, ई, आई, ओ, यू, तो उसके पहले फ्रेंड हम एन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन एलिफेंट, एन एस, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ जहाँ पर हम एन का यूज करते हैं। जिन शब्दों में एच साइलेंट रहता है उनसे पहले एन का प्रयोग होता है, जैसे एन हार, एन ऑनेस्ट, एन हॉनरेबल मैन। तो फ्रेंड इसमें हमें कम्प्लीटली एच नहीं बोलना है, इसमें एच हमारा साइलेंट रहता है, और सिर्फ एच हमारा साइलेंट रहता है, बट हमें वहाँ पर उसका बोलने में यूज नहीं करना है। जैसे एन आर, तो ओ की आवाज आएगी, एच वहाँ पर हमारा साइलेंट रहेगा। उन कॉन्सोनेंट से आरंभ होने वाले संक्षिप्त रूप के पूर्व जिनका उच्चारण बॉबल के समान हो। तो फ्रेंड हम देखेंगे कि अगर हमारा वर्ड जैसे एन एम एन एम 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 ए, तो एम में आप देखेंगे फ्रेंड भले ही यह है कॉन्सोनेंट है, बट यहाँ पर इसका साउंड एम, तो एम यानी ए, ए से स्टार्ट हो रहा है एन एम ए, तो यहाँ पर हम एन का यूज करेंगे। एन एल एल बी, एल एल बी बोलने से पहले एल, तो ए की आवाज आ रही है, तो ए ई आई ओ यू हमारे वोवेल्स होते हैं, तो इनके पहले भी हमें एन का यूज करना है। जितने भी हमारे शॉर्ट एब्रीविएशन होते हैं वहां पर भी, जैसे एन एस डी एम, इस तरीके से एन एम एल ए, तो इस तरीके से हम देखेंगे वहां पर भी हमें एन का यूज करना है। भले ही इनका मीनिंग स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट से होता हो, बट उनका साउंड वोवेल से स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से हमें सारी चीजें ध्यान में रखते हुए सारे ई एन दा का यूज हम देखेंगे किस तरीके से करते हैं, जैसे एन एम ए, एन एल एल बी, एन एस डी ओ। भले ही यह कॉन्सोनेंट है बट इनका साउंड वोवेल से हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर एन का यूज करेंगे। दा का प्रयोग, दा का प्रयोग पर्वत श्रेणियों, माउंटेन रेंज, नदी, नहर, सागर, महासागर, खाड़ी, द्वीप, सूर्य, इमारतों के नाम से पहले होता है। तो देखेंगे फ्रेंड हम एग्जाम्पल, द हिमालय, द गंगा, द स्वेज नहर, द रेड सी, द सहारा डेजर्ट। तो इस तरीके से हम फ्रेंड देखते हैं दा का प्रयोग किन किन जगह पर यूज होता है। धार्मिक पुस्तक या दिशा के पहले कोई एडजेक्टिव हो तो दा का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, जो भी हमारी कोई भी नोवेल रहता है या हमारी रिलीजियस बुक रहती है या कोई भी डायरेक्शन होता है या फिर किसी एडजेक्टिव के पहले हम दा का यूज करते हैं, जैसे द रामायण, या ही इज कमिंग फ्रॉम द साउथ, जैसे हमने उसे दिशा मेंशन की है वह कहाँ से आ रहा है, साउथ की ओर से आ रहा है, और किसी धार्मिक पुस्तक यानी द रामायण। नेक्स्ट, समाचार पत्रों के नाम से पहले दा का यूज करते हैं, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, दीज आर ऑल न्यूज़पेपर, तो आप देख सकते हैं बिफोर न्यूज़पेपर वी कैन यूज द, तो द का यूज हमें न्यूज़पेपर के पहले भी करना है। नेक्स्ट, जहाज, वायुयान तथा ट्रेनों के नाम से पहले भी हम द का यूज करते हैं, जैसे द विक्ट्री, किसी भी वायुयान का नाम है, जहाज वायुयान का नाम है, और द ताज एक्सप्रेस, जैसे किसी ट्रेन का नाम है, तो वहां पर भी हम द का यूज करते हैं। कुछ पुस्तकों, कुछ वस्तुओं से पहले जो केवल एक ही होती है, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, द इक्वेटर। तो फ्रेंड्स, इन सभी चीजों के पहले भी हमें द का यूज करना है, जैसा कि आपने देखा है। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं या नेचुरल थिंग्स हैं या जो भी नेचुरल चीजें हैं, वहां पर भी हमें द का यूज करना है। कुछ प्रांत, देश तथा भौगोलिक नामों के पहले, जैसे द पंजाब, तो द लैंड ऑफ फाइव रिवर्स, तो हम इसे पंजाब बोलते हैं, द डेक्कन प्लेटू, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इन सब चीजों के पहले भी फ्रेंड्स हमें द का यूज करना है। ऑल तथा बोथ के पश्चात प्राय द का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल,
ऑल द मैन के मतलब सभी लोग आने वाले हैं। कुछ मुख्य ऐतिहासिक घटनाओं से पहले द का प्रयोग होता है, फॉर एग्जाम्पल द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फ्रेंड्स, जब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं जो भी हमारे पहले वॉर हुए हैं एंशिएंट टाइम के बाद या जो भी मतलब हमने पढ़ रखा है, तो वहां पर हम देखते हैं द का यूज पहले होता है, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, इस तरीके से हम देखते हैं द का यूज कहाँ कहाँ पर होता है। सरनेम के पहले जैसे परिवार के सदस्यों का बोध होता है, वहां पर भी हम द का यूज करते हैं, जैसे द शर्मा, द मेंबर ऑफ द शर्मा फैमिली। फ्रेंड्स, जैसे एक शर्मा फैमिली रह रही होती है तो हम वहां पर बोलते हैं द शर्मा, या द त्रिपाठी ब्रदर्स हैव गोन ऑन अ टूर, मतलब त्रिपाठी जो पीपल्स हैं वो थ्री फोर भाई हैं, तो वो लोग कहीं पर टूर पर गए हैं, तो हम कह सकते हैं किसी का पर्टिकुलर नाम ना लेके डायरेक्ट उन्हें सरनेम से कह सकते हैं कि त्रिपाठी ब्रदर्स हैव गोन ऑन अ टूर। तो फ्रेंड्स, आपने देखा है कितनी सिंपल और एक ईजी वे में हमने आपको सारा कॉन्सेप्ट यूज ऑफ ए एंड द का कितना ईजी वे में सिखाया है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।